लगातार आरोप लगा रही है। वहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। उसी के चलते रिटायर्ड IAS ऑफिसर अजय शर्मा ने ऑब्जर्वर के रूप में इंदौर आए हुए थे। मतदाता सूची में फर्जी नामों को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऑब्जर्वर से मिले मीडिया से चर्चा के दौरान विनय बाग्रीवाल ने कहा कि कांग्रेस कमेटी ने आज ऑब्जर्वर के सामने हमने हमारी बात रखी, जो 1.5 लाख मतदाता है उनको मतदाता सूची में इन्होंने सूची जारी करने के बाद हटाए नहीं है, उसके बारे में विस्तृत रूप से समझाया है और उन्हें इस चीज़ की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी निर्वाचन की गलतियां, इसकी हमने इसको जानकारी दी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उसकी पूरी जांच की जाएगी और अगर इसकी सुनवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में पिटीशन लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय हमें निर्देशित करेगा और फर्जी मतदाता हैं वह निलंबित होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अजय शर्मा आज यहां पे राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के रूप में मतदाता सूची के संबंध में जानकारी लेने के लिए आए हैं और जो शिकायतकर्ता हैं मिस्टर कौशल और उनके साथ कांग्रेस के कुछ जो प्रतिनिधि हैं वो उन्होंने उनसे आज मुलाकात की है। विषय क्या रहा है? मतदाता सूची के संबंध में कुछ विसंगतियों की जानकारी के संबंध में उन्होंने चर्चा की है। आज शिकायत हमारे अपना पक्ष रखा है ऑब्जर्वर के सामने। आज अजय शर्मा रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑब्जर्वर के रूप में आज इंदौर आए हुए थे। शेयर कांग्रेस कमेटी ने आज भाई राजेश चौकसी जी, दिलीप कौशल जी, रवि गुंडानी, हम सब ने मिलकर, एक इम्तियाज बेलिम जी, हमने सब ने मिलकर हमारी बात रखी। जो 1.5 लाख मतदाता जो मतदाता सूची में इन्होंने सूची जारी करने के बाद भी वो हटाए नहीं गए, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से उनको समझाया और उनको एक एक चीज़ की जानकारी दी कि इसमें कहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी की गलतियाँ हैं वो हमने उनको बताई। उन्होंने हमारी बात सुनी, ऑब्जर्वर ने उनको आश्वस्त किया है कि मैं इसकी पूरी जाँच कर और आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करूंगा और हमें उम्मीद है कि सारे नाम विलोपित हो जाएंगे। ये तो अपनी शिकायत अपनी समझाने की बात हो गई। अगर मान लीजिए इस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता या जो आप चाहते हैं वो नाम विलोपित नहीं होते हैं तो ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा, क्या आप आगे बढ़ेंगे? हम निश्चित रूप से हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में पिटीशन लगाएंगे और हमारी मांग जो है हाईकोर्ट में, हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायाधीश हमारे इस मामले में हाईकोर्ट निर्देशित करेगा और ये निश्चित मानना कि आप जो 1.5 लाख जो फर्जी मतदाता है वो विलोपित होंगे। विनय भी का लगता है कि एक तरफ पक्षपात हो रहा है, एक तरफ जो सत्ता पक्ष है उसके साथ काम कर रहा है प्रशासन। मैं तो पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि जिला प्रशासन और शासन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के इशारों और नेताओं के इशारों पर चल रहा है, उनकी कठपुतली के रूप में वो काम कर रहे हैं। जैसा वहाँ से निर्देश मिलता है बीजेपी कार्यालय से वैसे काम हो रहा है, ऐसे ही मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सांवेर के जब उपचुनाव हुए थे तब भी लगातार हमारे प्रत्याशी ने यहाँ पर निर्वाचन आयोग को काफ़ी शिकायतें करी थी किंतु उसका कोई निराकरण नहीं करा, उसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा। इस बार हमको हाईकोर्ट पर पूरा विश्वास है, न्यायाधीश जी पर पूरा विश्वास है, हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो 1.5 लाख मतदाता इन्होंने जो फर्जी बढ़वाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर वो निश्चित रूप से विलोपित होंगे और इस बार कांग्रेस का परचम नगर निगम में लहराएगा, महापौर भी हमारा बनेगा और परिषद भी हमारी बनेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।